हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू टारगेट टू पीसी। आई नो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चालू है एंड आई वुड लाइक टू विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट बिफोर एंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल देर आर सर्टन डाउट्स इन द स्टूडेंट्स माइंड एंड मेरे एक्सपीरियंस से जो छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है आज मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। सो इफ यू फॉलो दिस वीडियो टिल द एंड आपका एग्जामिनेशन डे का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहेगा विच वुड हेल्प यू टू क्लियर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। सेकेंडली, इस वीडियोज में मैं आपके कुछ क्वेश्चन भी लूंगा, जैसे व्हाइटनर यूज करना है या नहीं, ये लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लूंगा। टू स्टार्ट विथ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडमिट कार्ड के इंश्योर कीजिए कि 2 से 3 कॉपी साथ में रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स दो पेपर के बीच में एडमिट कार्ड्स को घुमा देते हैं तो वो पैनिक सिचुएशन मैंने देखा है क्रिएट होते हुए, वो प्रिंटआउट के लिए भागते हैं। तो इंश्योर कीजिए कि आपके पास 2 से 3 कॉपीज एडमिट कार्ड की है। सेकेंडली, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आई वुड रिक्वेस्ट 2 से 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कैरी कीजिए। थोड़ा एक दिन पहले उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड एग्जाम डे के दिन कुछ इशू नहीं आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज, इफ यू आर अलाउड टू कैरी वाटर बॉटल, कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एड ग्लूकोज टू इट, बिकॉज एग्जाम में यू हैव टू थिंक अ लॉट, तो योर ब्रेन वुड रिक्वायर ग्लूकोज, इट वुड रिक्वायर एनर्जी। तो इंश्योर कीजिए कि मिक्स वाटर विद ग्लूकोज एंड साथ में एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाइए। ड्रिंक इट एवरी 15 to 20 मिनट्स सो दैट योर ब्रेन इज एक्टिव थ्रू आउट योर प्रीलिम्स पेपर। नेक्स्ट इज, अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में इफ दे अलाउ यू टू कैरी चॉकलेट्स, carry them because they are an instant source of energy, instant source of glucose that would help you give that energy which is required during this critical phase. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कैरी ओरिजिनल आईडी कार्ड एंड उसका एक कॉपी भी कैरी कीजिए। ट्राई कीजिए कि वो आईडी कार्ड आधार रहे, बाकी आईडी कार्ड्स भी चलेंगे, लेकिन अगर आधार है तो वो पूरा प्रोसेस सीमलेस रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ वाइटनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप वाइटनर कैरी कीजिए, लेकिन उसको यूज कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नॉट यूज टू चेंज द आंसर्स। अगर एक आपको लग रहा है कि आपने गलती से बी का सी कर दिया है तो वहां मत यूज कीजिए, वो एक टूल है आपका लास्ट रिसोर्ट का। अगर आपने रोल नंबर गलत भरा है, सेट नंबर गलत भरा है, या आपका जो इन्विजिलेटर है, इफ ही इज नॉट एबल टू गिव एनी अदर बेटर सोल्यूशन, देन लास्ट रिसोर्ट में आपको ये दो सिचुएशन में ही व्हाइटनर यूज करना है। डू नॉट यूज व्हाइटनर टू चेंज द आंसर्स, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता था। अगर आपको लग रहा है कि आपने बी मार्क किया है एंड सी मार्क करना चाहिए था, तब प्लीज मत यूज कीजिए। सिर्फ लास्ट एज अ टूल ऑफ लास्ट रिसोर्ट आप व्हाइटनर यूज करना है, उस वजह से कैरी व्हाइटनर, बट यूज इट ओनली इन द लास्ट केस। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कैरी एनोल वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वॉच मत कैरी कीजिए। एंड ये सारी चीजें आप गैदर करना स्टार्ट कीजिए एग्जाम के एक दिन पहले, आपके रेडी चाहिए। ऐसे नहीं कि संडे के दिन आप खोज रहे हो चीजों को, ऐसे मत कीजिए। अभी 2 दिन बाकी है, तो इंश्योर कीजिए कि सारा आपका जो बैग है वो आज से ही रेडी रहे। यू शुड नॉट पैनिक ऑन द लास्ट डे कि ये चीज नहीं है, ये चीज मैं संडे के दिन कर लेता हूं। फ्राइडे सैटरडे को ये सारी चीज कंप्लीट करके आपका बैग रेडी रखिए, जिससे एग्जामिनेशन डे एक्सपीरियंस बहुत इफेक्टिव रहेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, यूपीएससी ने एक फॉर्मेट दिया है कि ओएमआर शीट कैसे भरना है। प्लीज गो थ्रू दैट फॉर्मेट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो पीडीएफ का, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या चीजों पर ध्यान रखना है, कहां रोल नंबर फिल करना है, सेट नंबर कहां फिल करना है। तो वो सारी चीजें यूपीएससी ने एक पीडीएफ दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गो थ्रू दैट पीडीएफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बिटवीन 2 पेपर्स इंश्योर कीजिए कि यू सिट इन अ शेल्टर्ड प्लेस, ट्राई टू रिवाइज सीसैट के फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। डू नॉट डिस्कस द पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको आंसर भी नहीं पता रहता है, कॉन्फिडेंटली आंसर्स बताते हैं बिटवीन द 2 आवर्स, आपका मोरल डाउन करेंगे। तो इंश्योर कीजिए कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, कोई पेपर डिस्कस नहीं करना है, सीसैट पर फोकस करना है। ऐसे एरिया में बैठे जहां शेल्टर है, द प्लेस इज कूल काम, अगर उस चीज के लिए अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड भी करना पड़े टू सिट इन अ कैफे या कोई होटल में आपको रुकना पड़े, तो डू नॉट हेजिटेट टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सीसैट नहीं निकलता है बिकॉज वो पैनिक सिचुएशन में जाते हैं, वो मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट वो 2 घंटा आप अच्छे से स्पेंड कीजिए, अच्छी जगह बैठ के, हैव लिटिल फूड एंड रिवाइज थिंग्स, सिट इन अ कूल प्लेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है फ्रॉम टारगेट यूपीएससी। एंड आई नो यू वुड परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज ऑन द एग्जामिनेशन डे। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। पढ़ाई आपकी हो चुकी है, यू शुड नॉट पैनिक नाउ, जितना हो रहा है उतना पढ़िए। सैटरडे को 5 PM के बाद आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई
कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, हैव अ पॉजिटिव डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स फैमिली, डू नॉट ट्राई टू रिकलेक्ट थिंग्स नाउ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जब ऑप्शन सामने आएंगे डेफिनेटली यू विल रिमेंबर थिंग्स. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है. एंड आई वुड विश एवरी एस्पिरेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन. एंड अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, मैसेज मी ऑन द बिलो टेलीग्राम नंबर एंड आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. अगर आपको इमरजेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आता है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मिस इन द प्रीवियस पार्ट इज, अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ता है तो इंश्योर कीजिए कि जो टेट्रा पैक्स आता है प्री मेड ORS के, वो साथ में लेके जाइए एंड ट्राई टू हैव देम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी सेट होता है एंड वंस यू आर डिहाइड्रेटेड यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट इन द पेपर. पेपर में कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है. ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिए बिकॉज जो जब प्रॉब्लम आती है ना तो स्टूडेंट्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं. तो यू शुड बी रेडी फॉर थिंग्स एंड आपके पास सोल्यूशन रेडी चाहिए. तो ये सारी चीजें बताने का पर्पस यही है कि ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके लिए ये सोल्यूशन कीजिए, जिससे आपका जो एग्जाम डे परफॉर्मेंस है वो बहुत इफेक्टिव रहेगा एंड वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा लास्ट डे पर. होप यू गेट पॉजिटिव इनपुट्स फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.